अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर ओबीसी महासभा एवं सहयोगी संगठनों द्वारा आगामी 21 मई को रीवा बंद का आह्वान किया गया है। ओबीसी महासभा की ओर से बताया गया है कि उनकी प्रमुख मांगों में प्रदेश सरकार द्वारा कराए जाने वाले पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण आबादी के अनुरूप घोषित कर चुनाव कराया जाए। आपको बता दें कि ओबीसी महासभा द्वारा पिछड़ा वर्ग आरक्षण संविधान सम्मत कर 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा कराई गई जनगणना में ओबीसी मतों की संख्या को जिला, तहसील, ग्रामीण एवं नगर स्तर पर सार्वजनिक किया जाए ताकि उनकी पारदर्शिता प्रतीत हो। पूर्व ओबीसी के अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण मिल रहा था। प्रदेश सरकार की उदासीनता के कारण इसे 14% कर दिया गया है, जिसे 27% आरक्षण भर्ती में दिया जाए। ओबीसी जनगणना कराकर आंकड़ों को प्रकाशित किया जाए। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर 21 मई को रीवा बंद का आह्वान किया गया है। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। लगभग 52% सरकारी रिकॉर्ड में दिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो हम 52 लेके चलते हैं तो क्या आज इस इतने सालों के बाद क्या हमारी संख्या उतनी है, क्या घटी? ठीक है, हम जितना जो 11 के आंकड़ा है मैं उसी को लेके चलते हैं तो भी हमारी संख्या 52% है, तो क्या हमें संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए? क्या हम इस मांग जो हमारी मांग है ये न्यायपूर्ण नहीं है? और सरकार अभी 27 जो किसी तरह कुछ चीज़ जगह में लागू हुआ था उसको कैंसिल करके वापस 14 में आ गए, इसमें बाहवाही लूट रहे हैं। ओबीसी के साथ एक गेम कर रहे हैं, एक खेल खेल रहे हैं और अपने को ओबीसी का हितैषी बता रहे हैं। मैं इस सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप ओबीसी के हितैषी हैं, ओबीसी की वोट आपको चाहिए, ओबीसी के साथ न्याय करें। इसी को लेकर के हम लोग 21 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में बंद का आह्वान किए हैं और कल मध्य प्रदेश के साथ हम पूरी ताकत से सभी सामाजिक संगठनों के साथ और कई पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां भी हमको समर्थन दी हैं, उनके साथ हम रीवा बंद कराने का आह्वान किए हैं और रीवा को बंद कराएंगे।